नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूएनओ और उससे जुड़े प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन मकसद है वो है आईयूसीएन को पढ़ना, क्योंकि बायोडायवर्सिटी में मेन आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स आईयूसीएन को यूएनओ का ही अंग या हिस्सा समझ लेते हैं। इसको क्लियरिटी देने और साथ में एनवायरनमेंट से जुड़े जो डेवलपमेंट के प्रोटोकॉल्स है उनके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यूएनओ और प्रोटोकॉल अच्छे से बता दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं आईयूसीएन के बारे में। देखिए, आईयूसीएन पूरा नाम देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, ये है आईयूसीएन का पूरा नाम। क्लियर है बात? इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आईयूसीएन यूएनओ का हिस्सा नहीं है। ये आप क्लियरिटी से याद रखें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको यूएनओ और उससे जुड़े प्रोटोकॉल्स अच्छे से बता दिए हैं। तो आईयूसीएन का पूरा नाम, इसमें कौन कौन शामिल है? गवर्नमेंट शामिल होगी इसमें, एनजीओ शामिल होंगे, वैज्ञानिक शामिल होंगे और साथ में स्टेक होल्डर शामिल होंगे। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया? आईयूसीएन। देख लीजिए, पूरा नाम याद रखना है। अब अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए, हुआ क्या, 5 अक्टूबर 1948 जगह का नाम है फ्रांस में फॉन्टेनब्लू। इस स्थान पर क्या पर्यावरण की देखभाल हेतु उद्देश्य क्या रहा? पर्यावरण की देखभाल के लिए एक संघ की स्थापना हुई जिसे आईयूपीएन कहा गया। देखिए, आईयूपीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन पी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। देखिए, यहां इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर आईयूपीएन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की देखभाल करना।
फिर क्या हुआ, ये डेट आपको याद रखनी है, सन याद रखना है, 1956 में इस IUPN का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, IUCN रख दिया गया। तो IUCN नाम कब आया, 1956 में। लेकिन इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 को। पहले इसका नाम क्या था, IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, देख लीजिए 1956 में। IUPN का नाम बदलकर IUCN रख दिया गया और इस IUCN का मुख्यालय कहां पर है, ग्लेंड, और ये ग्लेंड स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहां पर है, ग्लेंड में, और ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, इस IUCN ने 1963 से, 1963 से ये निर्धारित किया, ये डिसाइड किया कि ये प्रत्येक 4 वर्ष में क्या जारी करेगी, रेड डाटा बुक। देखिए IUCN क्या याद रखना है, ये UNO का हिस्सा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट, NGO, साइंटिस्ट, स्टेक होल्डर्स, इन सबको शामिल किया जाता है। 5 अक्टूबर 1948 में IUPN की स्थापना हुई, 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN रख दिया गया, और 1963 से IUCN प्रत्येक 4 वर्ष में क्या जारी करेगी, रेड डाटा बुक। और इन्होंने फर्स्ट जो रेड डाटा बुक है वो कौन से सन में जारी की, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1964 में। IUCN के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं या आपको कितना याद रखना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। IUPN स्थापना 56 में, 1956 में नाम बदल कर क्या हो गया, IUCN इसका मुख्यालय, और 1963 से इन्होंने डिसाइड किया कि प्रत्येक 4 वर्ष में रेड डाटा बुक रिलीज करेंगे, और ये पहली रेड डाटा बुक 1964 में इन्होंने पब्लिश की, देख लीजिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रेड डाटा बुक क्या है। देखिए रेड डाटा बुक क्या इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, इसको कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है, बीच में अंतराल कितना है, प्रत्येक 4 वर्ष में, और पहली बार कब, 1964 से, 1964 से प्रत्येक 4 वर्ष में IUCN ट्रेड डाटा बुक जारी करता है। तो इसके बारे में 3 बातें आप अच्छे से याद रखें, क्या है रेड डाटा बुक, ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। देखिए इसको आप कह सकते हैं विलुप्त प्राय, और इसको कह सकते हैं संकटापन्न या संकटग्रस्त।
नेचर में पादपों और जंतुओं की ऐसी कौन सी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं जो विलुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड है या संकटग्रस्त है, या जिनके विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है या हो चुकी है, उनको क्या कहा जाएगा या उनकी लिस्ट को क्या कहा जाएगा? रेड डाटा बुक। ये एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, इन सभी स्पीसीज के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर देख लीजिए, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या कहलाएगी? रेड डाटा बुक। ऐसी सूची किसकी? विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची क्या कहलाएगी? रेड डाटा बुक। क्लियर है बात? जिन जातियों को संकट है या जो जातियां विलुप्त होने का खतरा रखती है, उनको किस लिस्ट में शामिल किया जाएगा? रेड डाटा बुक में। देख लीजिए, तो आपको इतना ही याद रखना है, IUCN, पहले IUPN था, 1956 में नाम बदलकर IUCN, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और ये 1963 से इन्होंने डिसाइड किया रेड डाटा बुक जारी करना। 1964 में पहली बार रेड डाटा बुक जारी की, प्रत्येक 4 वर्ष में ये जारी करेंगे। और क्या है रेड डाटा बुक? एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज की लिस्ट, विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची ही क्या कहलाएगी? रेड डाटा बुक। क्लियर है? तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है IUCN से संबंधित, इसको आप बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है IUCN की स्थापना, तो अब आपको ऑप्शन देखना है। अगर 1948 दे रखा है और 1956 दे रखा है, और ये पूछा गया है कि IUCN की स्थापना, तो आपको 1956 लिखना है, क्योंकि IUCN नाम 1956 में दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ पूछा जाए तो फिर 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई, और जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? IUCN। और रेड डाटा बुक बहुत फेमस क्वेश्चन है, विलुप्त प्राय या एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड संकटग्रस्त स्पीसीज की लिस्ट क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक। क्लियर है? तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।